हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं संक्रामक रोग के अंतर्गत परजीवी यानी प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोगों को ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी, जिसको आपको वीडियो देखने के बाद हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं रोगों के नाम ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगी एंड वो किस कारण से होता है, किस प्रोटोजोआ से होता है, उसका कौन सा अंग प्रभावित करता है और लक्षण क्या है, जो आपके एग्जाम ऑफ बीओ से वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा एंड दोस्तों, मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं सभी आपके फिजिकल एजुकेशन कोर्स, जितने भी कॉम्पिटिशन है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी वीडियोज को आज करके आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं एंड 100 से ज्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के हैं और दोस्तों चैप्टर वाइज एमसीक्यूज क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी कराए जाते हैं। जैसे कि इस वीडियो के बाद मैं सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस कराऊंगी दोस्तों, इसलिए बने रहिए मेरे चैनल पे। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम क्या बात कर रहे थे दोस्तों, परजीवी यानी प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोगों को बारे में। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि संक्रामक रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक जंतु से दूसरे जंतु तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीवों के माध्यम से हवा, धूल, मिट्टी, पानी, भोजन, सीधे संपर्क आदि के कारण फैलते हैं। एंड दोस्तों ये जीवाणु, विषाणु, कवक से फैलने वाले रोगों के बारे में इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसको आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं बताने वाली हूँ प्रोटोजोआ यानी परजीवी से फैलने वाले रोगों के बारे में। जैसे दोस्तों इसके रोगों को याद करने का ट्रिक है, काला आम पानी में पका फट से। क्या ट्रिक है? काला आम पानी में पका फट से। आप इसको 8 से 10 बार कॉपी पे लिखिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे काला से होगा कालाजार, आम में आस आम से होगा अमीबी पेचिस एंड पानी में पा से होगा पायरिया एंड नी से दो रोग होगा निद्रा रोग एंड नारू रोग, में से मलेरिया एंड पका में से प से होगा आपका पेचिस, ठीक है। पका से होगा पेचिस एंड फट से होगा, फट में से फ से होगा फाइलेरिया, जिसे हाथी पाव भी कहते हैं एंड ट से होगा टैप वार्म, जिसे ब्लेडर वार्म भी कहा जाता है। दोस्तों आपको वेरी कंफ्यूजन होता है इन रोगों में, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, तो मलेरिया को ही आप नहीं पहचान पाते हैं कि वह जीवाणु से है कि विषाणु से है कि प्रोटोजोआ से है। तो जान लीजिए मलेरिया जो है वह प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। तो चलिए जानते हैं इनके परजीवी को और इनके कौन से अंग को प्रभावित करते हैं और क्या क्या लक्षण हैं। दोस्तों कालाजार जो है वह किस परजीवी के कारण होता है या वाहक क्या है इसका? तो दोस्तों इसका वाहक है बालू मक्खी और इसका परजीवी है लासीमेनिया डोनोवानी, जिसे पैरासाइटिस प्रोटोजोआ भी कहते हैं। एंड दोस्तों यह हमारे अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। कालाजार किसको प्रभावित करता है? अस्थि मज्जा में को, जिसमें दोस्तों हमारे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के बोन मैरो में होता है। एंड दोस्तों कालाजार के लक्षण क्या है कि तेज बुखार इसमें आता है। एंड दूसरा है अमीबी पेचिस एंड तीसरा है पायरिया। पायरिया दोस्तों किस परजीवी यानी वाहक से होता है? यह एंड अमीबा जिंजी वेलिस के कारण होता है। किस परजीवी के कारण होता है पायरिया? पूछ सकता है दोस्तों कि पायरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो यह एंड अमीबा जिंजी वेलिस के कारण होता है। यह हमारे मसूड़ों को प्रभावित करता है और इसका लक्षण है मसूड़ों से रक्त आना। नेक्स्ट है निद्रा रोग, जिसे स्लीपिंग सिकनेस बोला जाता है। यह किस परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ के कारण होता है? यह ट्रिपोनोसोमा के कारण होता है। किसके कारण होता है? ट्रिपोनोसोमा के कारण। इसका किस अंग को यह निद्रा रोग प्रभावित करता है? दोस्तों यह हमारे मस्तिष्क को और लसिका ग्रंथि को प्रभावित करता है, यह विशेष रूप में ध्यान में रखिएगा। इसका लक्षण है निद्रा रोग का
शरीर दर्द होता है, कमजोरी होता है, मानसिक निष्क्रियता हो जाती है, ठीक है। एंड दोस्तों नारू रोग, नारू रोग जो है वह किस परजीवी के कारण होता है? ड्रेफनकुलस। किस परजीवी के कारण होता है? ड्रेफनकुलस। और यह किस अंग को प्रभावित करता है? हमारे पाचन तंत्र को और तलवे को प्रभावित करता है, हमारे पैर के तलवे को, ठीक है। इसका लक्षण क्या है दोस्तों? ये हमारे पैरों में छाले पड़ जाते हैं, दस्त होता है, चक्कर आता है, ये सभी नारू रोग के लक्षण हैं। नेक्स्ट है मलेरिया। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, मलेरिया जो है वह प्लाज्मोडियम परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से फैलता है। और इसका वाहक कौन होता है दोस्तों? किसके द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है? तो यह मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एनाफिलीज मच्छर, उसमें ऑप्शन देगा नर मादा फिलीज और मादा एनाफिलीज, तो हमेशा मादा एनाफिलीज पर ही टिक करिएगा, ठीक है। मलेरिया क्या होता है दोस्तों? यह हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? यह हमारे आरबीसी को ही खत्म कर देता है, आरबीसी और तिल्ली को प्रभावित करता है। और ठंड के साथ बुखार आता है, इसका एक लक्षण है। जैसा कि दोस्तों डेंगू जो होता है और मलेरिया, इस दोनों में आप कंफ्यूजन होते होंगे, ठीक है। जो डेंगू होता है वो वायरस से फैलता है, किससे फैलता है? वायरस से। और किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडीज एजिप्टाई मच्छर से। और जबकि जो मलेरिया होता है वह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से, ठीक है, परजीवी से। एंड दोस्तों जो डेंगू होता है वो हमारे प्लेटलेट्स को कम कर देता है या प्लेटलेट्स को ही खत्म करता है, जबकि मलेरिया रोग जो है आरबीसी को खत्म करता है, ठीक है। तो ये दोनों खतरनाक रोग है। जैसे कि आपको याद रखना है कि जो डेंगू है जिसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं वो वायरस से फैलता है, और जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ यानी परजीवी से फैलता है, इतना याद रखना है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों पेचिस, जिसे डिसेंट्री बोला जाता है। यह किस परजीवी से फैलता है? यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी से फैलता है। और इसका वाहक होता है दूषित भोजन, यानी दूषित भोजन के खाने से आपको पेचिस या डिसेंट्री होता है। यह हमारे आंत को प्रभावित करता है और खून के साथ दस्त इसका लक्षण है। नेक्स्ट है फाइलेरिया, जिसे हाथी पांव या पीला पांव भी बोलते हैं। यह बुरा रेतिया ब्रैकेटाई परजीवी से होता है। यह हमारे पैर व अंडकोश को प्रभावित करता है। इससे लक्षण क्या है कि तेज बुखार व अंडकोश में सूजन हो जाता है। नेक्स्ट है टैप वार्म, जिसे ब्लेडर वार्म भी कहा जाता है। एक किस परजीवी के कारण होता है? या टीनिया सोलियम नेमाटोड वार्म भी कहते हैं, किसके कारण होता है? परजीवी के कारण। और दोस्तों यह हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसका लक्षण है टैपवार्म का कि यह तंत्रिका तंत्र में विकृतियां व अल्परक्तता हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो जो कालाजार से जो हमारे प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग हैं, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रकार संक्रामक रोग जो जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ से फैलते हैं, ये सभी टॉपिक आपके कवर हो गए हैं। संक्रामक रोग के सभी टॉपिक कवर हो गए। तो दोस्तों आपको संक्रामक रोग से इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब आपके कुछ विशेष रोग, जैसे कि आपके जो मनोविकार के रोग हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है एक आध दो क्वेश्चन, जैसे साइजोफ्रेनिया हो गया, जो कल्पना जगत को वास्तविक जगत समझता है। इस प्रकार के रोगों के बारे में कुछ मैं बताऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों ये रोग वाला पार्ट समाप्त होता है। अब मैं इन सभी के हेल्थ एजुकेशन एंड डिजीज से जो भी क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, उस क्वेश्चन को आपके सामने रखूंगी। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।